हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है तनुज ब्लॉग में। तो अभी जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, मेन गेट पर है, टिकट लेते हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो यहां पर लेते हैं टिकट, अनिल जी ले रहे हैं टिकट, तो चलते हैं अभी अंदर। ये है मेन गेट स्टेडियम का। तो हो चुकी है एंट्री, टिकट चेक हो गई है, तो अभी चलते हैं अंदर। ये है अंदर का व्यू, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है हिमाचल का, हिमाचल के धर्मशाला सिटी में है ये स्टेडियम। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर घूमने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हमारे जैसे लोग कई अंदर घूमने जा रहे हैं, तो और कई बार आ रहे हैं घूम के। ये जा रहे हैं अनिल जी आके हमारे। तो यहाँ से जाते हैं अंदर, काफ़ी लोग घूम के आ रहे हैं, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं आप, ये प्रैक्टिस सेशन यहाँ किया जाता है, वह प्रैक्टिस ग्राउंड। अंदर कुछ लोग खेल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में। इस साइड से भी एंट्री है, पर अभी यहाँ पर बंद है। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम आ चुके हैं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। तो ये यहाँ का व्यू है, और ये तनुज चले हैं। तो अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं अंदर क्या माहौल है, किस तरह से हिमाचल का स्टेडियम है। तो आप लोगों को हम अंदर जाके दिखाते हैं। इंद्रु नाग देवता यहाँ के फेमस देवता हैं, यहाँ पे IPL वगैरह मैच भी होते रहते हैं, और काफ़ी बारिश के कारण कई बार मैच रद्द भी किए जाते हैं। तो हम जा रहे हैं ऊपर, अब देखते हैं कहाँ से जाए। राइट, ये क्या रे भाई। अभी यहाँ पर स्टेडियम का काम लगा है। अच्छा, तो हर कोई दिखाता है, पर काम करते हुए भी दिखाना चाहिए। ये ओह नो, स्टेडियम की हालत ठीक नहीं है। तो गाइस, आपको हम स्टेडियम का नज़ारा तो नहीं दिखा पाए इतनी अच्छी तरह से, जो है एंजॉय करिए आप। ये धौलाधार पर्वत, यहाँ मैक्लोडगंज में भागसु में हमारे इंद्रु नाग प्रस्थान प्रवास करते हैं। ये है स्टेडियम का, ये आजकल जो है कंस्ट्रक्शन का काम चला है, तो आप लोग देख रहे हैं। अभी हम आ गए अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं,
क्योंकि वहाँ पर अभी स्टेडियम का काम चला है, जिससे काम चला है अच्छा हो जाएगा। अगर जब बन जाएगा तो तभी आने का पूरा मज़ा आएगा, क्योंकि व्यू भी काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो इतना ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, पहले पता होता टिकट ही नहीं लेते अंदर आने के लिए। पर चलो आ गए थे तो दिखा दिया आपको थोड़ा सा व्यू जो वहाँ पे हो रहा है। तो अभी हैं वहाँ पर पीछे, देखो स्टेडियम की, पूरे स्टेडियम की फ़ोटो लगी है। ऐसा ही हो जाएगा आगे जब काम हो जाएगा इसका पूरा। तो चलते हैं आगे दूसरी जगह पर, मिलते हैं आपको वहाँ पर। गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आप सभी को हम दिखाने लाए हैं शहीद स्मारक। आप सभी का स्वागत है तनुज ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है इस साइड शहीद स्मारक का गेट, और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बना है एयरफोर्स का विमान। तो दिखाते हैं आपको, बाइक लगा दिया यहाँ पर, अभी चलते हैं अंदर तो दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ, आप सब एंजॉय करिए। और यहाँ पर है पूरे भारत का नक्शा, यहाँ पर है पूरे भारत का नक्शा जैसे कि आप देख रहे हैं। ये वो प्लेस है जहाँ पर लिखा जाता है सभी शहीदों का नाम। और ये देखो वाटरफॉल, मतलब पानी से कितना अच्छा पानी आ रहा है। अब इसके सराउंडिंग का सब कुछ कितना अच्छा बना के रखा है इन्होंने, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू है। ये है वो एयरफोर्स का विमान जैसे कि आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ घूमने आए हैं, मतलब टूरिज्म है ये भी एक। और ये वैसे भी स्मार्ट सिटी है और सब कुछ देखने के लिए नीट एंड क्लीन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है, ये देखो यहाँ पर भी कुछ लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यहाँ है पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह जो कुछ लाया है आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा खाना की व्यवस्था भी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है मशीन गन, यहाँ पर है महाराणा प्रताप जी का स्टैचू, और यहाँ पर टैंक वगैरह सब कुछ लगाया गया है आप देख पा रहे हैं। अब बस आज वीडियो को दब के शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। कोई गलती है तो आप बताओ, उस मिस्टेक को अगली बार को हम पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप पूरा व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को ये वाली जगह काफ़ी अच्छी लगी। देखो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं उन्हें। ये देखो इसके सराउंडिंग का एरिया भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है और साफ़ है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकते आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी सारे लोग उस साइड घूमने जा रहे हैं। हम तो आ गए हैं वहाँ से ज़्यादा देर अभी, क्योंकि टाइम नहीं है तो हमें जाना भी है वापस। और जिस काम से हम आए थे वो काम भी हो गया, थोड़ा बहुत घूम भी लिया हम। काम वो हमने आपको बोला था कि हम अलग ब्लॉग में बताएंगे आपको। काम ये था कि हमें मेरे को ढूंढना था अपने छोटे भाई को रूम, क्योंकि वो आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए कॉलेज करने, तो उसको रूम ढूँढना था। आज पूरा दिन वहाँ लग गया। तो जैसे जैसे हम घूम रहे हैं वैसे वैसे आपको भी दिखा पा रहे हैं। काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे घूम के। तो अभी है चलने का प्लान, तो चलते हैं आपको रास्ता भी दिखाएंगे क्या कैसा रास्ता कहाँ से है। तो बताते हैं आपको कहाँ आए थे हम। ये है अनिल जी पीछे, इधर इनको थोड़ा काम है फ़ोन पे अभी लगे हैं, तो इधर लगाए पीछे बाइक, यहाँ पर पार्किंग एरिया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जाने के लिए भी टिकट लगती है, और जहाँ स्टेडियम गए थे पहले वहाँ पर भी जाने के लिए टिकट लगती है। तो चलते हैं अभी बाइक की तरफ, चलते हैं और बैठते हैं, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो अभी हम चल पड़े हैं शहीद स्मारक से, तो अभी करो आप फिर से रोड का एंजॉय।
हेलो गाइस, तो हम धर्मशाला से दुनेरा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो अब हम अभी पहुँचे हैं 32 मील से थोड़ा आगे आ गए हैं। तो अब मैं तो थक गया बाइक चला के, अब चला रहा है तनुज, तो ये रेडी हो गया और आपको चलते हैं। अब बाकी दिखाते हैं व्यू वगैरह, शायद नूरपुर किले भी जा सकते हैं हम। अभी प्लान तो बनाया था, पर अभी जिस हिसाब से टाइम होगा हमारे पास, हम उस हिसाब से वो करेंगे। तो फिर देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो जाएंगे, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं। बाकी चलो आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये तनुज तैयार हो गया, चलिए चले। ठीक है, ओके बाय गाइस, मिलते हैं। जैसे कि हम